जी सर, आपसे सवाल ये है कि इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, मतलब फ्रॉम अ पंचनामा बॉय टू सोनू देन चिंटू त्यागी एंड नाउ लव आजकल. सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द होल जर्नी? यू हैव नाउ अ डायरेक्टर लाइक इम्तियाज, सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? जी जी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ. जिस तरीके से पूरा प्रोसेस हमारा रहा है, जब से हम लोगों ने पहली मीटिंग की थी, फर्स्ट मीटिंग जब हम मिले थे, जब पहली बार मुझे एक्चुअली कॉल आया था एंड सर ने बोला था कि हेलो इज दिस कार्तिक, दिस इज़ इम्तियाज अली. एंड तो मुझे याद है, मैं एक्चुअली उस टाइम लुक्का छुपी की शूट कर रहा था, तब मुझे कॉल आया था और मैंने अपने आप को वैनिटी में बंद कर लिया था और मैंने बोला था कि मैं वॉशरूम चला गया हूँ और जितनी देर तक ये कॉल चलता रहेगा उतना वॉशरूम में बैठा हूँ. तो मैंने बहाना किया था सेट में ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे और हमने करीब 45 मिनट शायद से उस फ़ोन कॉल में, फर्स्ट फ़ोन कॉल में बात की थी. ये खबर मेरे पास नहीं थी. ये खबर नहीं आई थी क्योंकि वो ऐसा अपसेट स्टमक, बट दिस वॉज हैपनिंग देन. एंड सो आई थिंक, मतलब इट्स बिन अ वंडरफुल जर्नी. मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है. जब सर ने मेरे को एक्चुअली, हम लोग जब बात भी किए थे तो हमने किसी और चीज़ के लिए बात की थी. इवेंचुअली लव आजकल हैपेंड एंड इट्स लाइक अ ड्रीम. मैं मतलब सपना जी रहा हूँ वैसा मुझे लग रहा है. जब भी मेट रॉक स्टार, मतलब हम देखते देखते दोस्तों में या कॉलेज में जाते हुए सब सबकी फेवरेट मूवीज़ में से कुछ रही हैं. एंड जब पोस्टर भी, जब मैंने पहली बार अपना ये देखा, हम दोनों इस पोस्टर में थे एंड अ फिल्म बाय इम्तियाज अली एंड यू नो, तो वो मैंने सर को मैसेज भी किया था, बोला भी था. मैं दो घंटे तक मैं बस देख रहा था और फ़ोन को देख रहा था. ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है. आई डोंट नो, मतलब मैं बहुत खुश हूँ. It's a complete circle. And सर ने जिस तरीके से मुझे वीर और रघु के कैरेक्टर में देखा एंड जितना इन्होंने हम सबको वाइल डायरेक्टिंग, आई थिंक ही इज़ कम्प्लीटली, फॉर मी ही इज़ कम्प्लीटली चेंज मी एज एन एक्टर. में भी जैसा मेरा थाट प्रोसेस है, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है इनसे बात करके, इनसे समझ के. एंड इनका तरीका भी एकदम इतना आसान सा होता है कि हम बस बात करते रहते हैं और हमें समझ नहीं आता कि ये किस तरफ लेते जा रहे हैं हमें. तो वो एक प्रोसेस में हमें हमेशा से मज़ा आया. एंड मैं भी स्टैमर कर रहा हूँ सारा. आपने भी स्पीच दे दी हमारी. हाँ, मैंने भी स्पीच दी लेकिन बहुत इतनी अच्छी नहीं दी.